क्रिया योग हमारे भारत में अनंत काल से चालू है जी। ये ब्रह्म साधन है जी। पतंजल योग सूत्र के माध्यम से इसका नाम हम लोग को मिलता है जी। बहुत पुराने हैं। इसके बाद जब भगवान कृष्ण रूप लेकर के भारत भूमि में आए तो इसको कर्म योग बनाए, इसका नाम को चेंज करके कर्म योग बनाए। तो कर्म और क्रिया दोनों का मीनिंग तो एक ही है जी। तो जो अतीत में क्रिया योग था पीछे भगवान कृष्ण इसको कर्म योग बनाए जी। और कलि युग का अंत में जब वही भगवान समाचरण लाहिड़ी रूप लेकर के आए तो उसको फिर उन्होंने क्रिया योग में वापस कर ले जी। इसी प्रकार से भारत में क्रिया योग कर्म योग यही चालू है जी। और ये अनंत काल से चलेगा भारत भूमि में क्योंकि ये ब्रह्म साधन है, ब्रह्म विद्या है जी। हम लोग भगवान को जो साधन करते हैं तमाम भारतवासी ने तो उसमें एक चीज छूट जाते हैं जो कि मुक्त होने का उपाय जी। लेकिन क्रिया योग और कर्म योग करने से वही मुक्त मिलेगा, पुनर्जन्म न विद्यते जी। इसलिए क्रिया योग है कि अपने को जानना, हम कौन है जी। इसको जानना चाहिए जी। देखो हम आदमी हैं तो मैं भगवान को जानना चाहते हैं जी। लेकिन भगवान कौन है मैं नहीं जानता हूं जी। तो इसमें कुछ फायदा नहीं होता है जी। तो मुझे पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन है जी। हम क्या मिस्टर एक्स वाई जेड ना इससे और भी कुछ जी। ये हमारा भारत का शिक्षा है जी। लाहिड़ी बाबा इस बारे में बहुत एक सुंदर बात बताए कि आप ही को आप जानना इसी को ब्रह्मज्ञान कहते हैं जी। भारतवासी तुम कौन हो तुम पहले अपने को जानो जी। तुम खुद भगवान होते हुए तुम अपने को मनुष्य सोच लिया ये तुम्हारा गलत चीज है जी। देखो हमारा शास्त्र कहते हैं कि अमृत शपुत्रा ये सब अमृत शक पुत्र है मतलब भगवान का संतान है जी। तो राजा का पुत्र राजा बनेगा जी। विद्वान का पुत्र विद्वान बनेगा अमीर का पुत्र अमीर बनेगा ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान का पुत्र आत्मा बनेगा जी। तो इसलिए तुम खुद भगवान होते हुए तुम भूल गए ये जो भूल गए है इससे बचाने के लिए जो रास्ता है वही क्रिया योग है तो ये जो क्रिया योग है जी। ये ब्रह्म विद्या है जी। सेल्फ टू नो माई सेल्फ हु आई एम फ्रॉम व्हेयर आई हैव कम एंड व्हेयर आई हैव टू गो ये चीज चाहिए जी। तो इसलिए जो कि आप ही को आप जानना उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जी। तो हम कौन है पहले उसको जानना चाहिए कि हम एक तो साधारण जीव है और कि आम जनता के कुछ है हाँ साधारण दृष्टि में मैं आम जनता का एक है जी। लेकिन आम जनता के भीतर कौन है जी। हुआ तो मैं हूं और वो आम जनता भी हमारे भीतर है जी। इसलिए सबके भीतर जो प्राण है मेरे भीतर वही प्राण है ये देखो हम लोग घर घर में वो रखते हैं जी। तो उसके भीतर कौन सा प्राण है वो भी भगवान है जी। इसलिए इसी प्रकार से जितनी दुनिया में जो कुछ देखता है सब प्राण में भरा हुआ है जी। इस बारे में एक सुंदर मैं हमारे सनातन धर्म का शास्त्र का एक वचन सुनाते हैं जी। प्राणो ही भगवानीश प्राणो विष्णु पितामह प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमय जगत जी। आपका भीतर जो प्राण है मेरे भीतर वही प्राण है जी। ये जो हमारे सामने में जो सुनने वाले हैं ये सबके भीतर तो एक ही प्राण है लेकिन एक एक तो बॉडी बॉडी सेपरेट है इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक्स वाई जेड है असली में ये नहीं है ये बॉडी का डिफरेंस है लेकिन भीतर में हमारा सब कोई एक ही बात एक ही चीज है जैसा कोई वाटर बॉटल लेकर के हम वो दरिया में गया तो 10 आदमी का 10 वाटर बॉटल है पानी का जार है पानी भर लिया हाँ उसमें पानी भर के लाया जी। तो देखिए वो पानी तो एक ही है जी। लेकिन
10 प्रकार के जार में है उसको भर्ती कर लिया तो क्या पानी अलग हो गया? फिर तालाब में डाल दो तो एक ही पानी है। तो इसी प्रकार सबके भीतर एक ही प्राण है, ये कंटेनर दूसरा दूसरा हो सकता है और ये कंटेनर के ऊपर डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को हम लोग सोचते हैं कि एक एक प्रकार मनुष्य एक एक है, कोई खूनी है कोई खूनी नहीं है, कोई खून करता है कोई किसी से खून होता है, लेकिन दोनों का भीतर तो एक ही प्राण है। जो स्नेक एंड फ्रॉक्स वो दोनों के एनिमी है उसको खा लेता है, तो दोनों का भीतर एक ही प्राण है। ये जो प्राण का अनडिवाइडेड प्राण इसको जानना चाहिए। इसलिए क्रियाजोग हम लोग को वही हेल्प देते हैं कि हम सब मिलकर चलो भारतवासी, हमारे जो इति ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, इसको पहले जानो, यही क्रियाजोग का मूल उद्देश्य है। लेकिन एक बात है कि है हमारा इंटरनल हमारा भीतर की चीज है, ऐसे जनता सबके भीतर जो है वही भगवान है, उसको क्या कहते हैं? प्राण कृष्ण कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। पिता के भीतर जो है पुत्र के भीतर वही है, माता के भीतर जो है कन्या के भीतर वही है, कोई डिफरेंस नहीं, योर बॉडी डिफरेंस होता है। इसीलिए क्रिया योग आफ्टर ऑल वो एक है, वो किसी को डिविजन नहीं लाते हैं, डिविजन होने से झगड़ा होता है। इसलिए ये जो डिविजन से हट जाना, यही क्रिया योग हमारा सनातन धर्म का असली साधन है। ये ब्रह्म विद्या यहां से कलयुग के प्रभाव से बहुत दूर हट गए हमारे देश का आम जनता, लेकिन हमारी देश बहुत पवित्र देश है, यहां से हम लोग बहुत दूर हट गए, इसका शिक्षा कोई नहीं देते हैं। तो इसलिए लाहिड़ी बाबा ने आए और हमको यही चीज दक्षता को बताया भारतवासी के सामने में कि तुम अमृत सुपुत्र है, देखो शास्त्र की वचन और तुम अपने को जानने का कोशिश करो, तो तुम अलग अलग नहीं है जी। तुम सब एक ही है, बॉडी डिफरेंस जो है उसको भूल जाओ जी। तुम सबके भीतर एक है उसको जानो। प्राणो ही भगवानीश, प्राणो विष्णु पितामह, प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमयं जगत। देखो सबके भीतर एक है वो, जो देखो एंट्स एनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो कि जिंदा है जो कि जिंदा नहीं है, सबके भीतर एक ही प्राण है। सबको प्रणाम करो, सबको जानो, देखो तुम भी जगतवासी में अनंत हो जाओगे।